बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर जलालपुरी साहब का, दूसरा शुक्रिया मुजफ्फर साहब का जिन्होंने आज ये मौका दिया। दोस्तों सबसे पहले माहौल बने, देखिए मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, सबसे छोटी कलम हूँ। हमारे पास आपने ढोल मजीरे ताशे और बैंड ऑर्केस्ट्रा जैसा कुछ नहीं देखा होगा। हम लफ्ज़ों का खेल खेलते हैं, शब्दों का खेल खेलते हैं। आपको अगर हमारी कोई भी पंक्ति कोई भी लाइन अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा, यही एक कवि का सबसे अच्छा इनाम होता है। पहले ज़ोरदार तालियां बजाइए ताकि एक माहौल बने, यहाँ से वहाँ तक ज़ोरदार तालियां, लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है, मुजफ्फर साहब का मुशायरा हो रहा है। दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ पहले मुजफ्फर साहब के लिए, जिन्होंने, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ लेकिन मैं मीरा भाईंदर की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में हमारे पास मुजफ्फर साहब जैसा एक ऐसा नेता है जो सबको साथ लेके चलता है। ना वो हिंदू की बात करता है, ना मुस्लिम की बात करता है, वो सिर्फ इंसानियत की बात करता है, इंसान की बात करता है। दो पंक्तियाँ मुजफ्फर साहब को समर्पित हैं, और आपको लगे कि आपकी मेरी पंक्तियाँ आपके दिल को छू रही हैं तो तालियों से समर्थन कर दीजिएगा कि कोई अल्लाह को पूजे कोई भगवान को पूजे, मैं उसको पूजता हूँ जो फकत इंसान को पूजे। हमारे मीरा भाईंदर की जो संस्कृति है वो संस्कृति ऐसी है कि दिवाली में अली और राम है रमजान में, ऐसा होता मेरे हिंदुस्तान में, ये हमारी संस्कृति है। दोस्तों हास्य का कवि हूँ, हास्य व्यंग लिखता हूँ, गीत भी हास्य के ही लिखता हूँ। अब धीरे धीरे मैं आपको अपनी औकात पे आऊँगा और आपको लगे कि मज़ा आ रहा है तो तालियां बजा। अभी हमने बहुत सारे देश में ऐसे झूठे झूठे नारे सुने, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन। तो हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई, एक भाई साहब आए, बोले देव भाई यार हमें नारा मिल रहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और यहाँ तो चोरी हो गई। मैंने बोला था यार चोर के अच्छे दिन नहीं आएंगे क्या, ताली बजाओ। मैं बोला चोर के अच्छे दिन नहीं आएंगे, तूने नारा पूरा नहीं सुना, सबका साथ सबका विकास, तो चोर का भी तो विकास हो रहा है। अच्छा मोदी जी बोल रहे हमें काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और देश का उजाला, देश का सफेद धन लेके विजय माल्या लंदन चला गया, और काले धन के लिए मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और काला धन हमारे साथ मंच पे सुंदर मालेगामी के रूप में मौजूद है। ताली बजाओ यार मजा आ रहा है। तो अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे मारवाड़ी, गुजराती, यूपी वाले सभी, मतलब पूरे स्टेट, पूरी भारत के लोग, कोने कोने के लोग बम्बई में रहते हैं। जब मारवाड़ियों से एक बात है, मारवाड़ी अपना काम कैसे भी चला लेता है। अभी मैं एक लखनऊ में एक कवि सम्मेलन में बैठा था, मेरे बगल में कवित्री बैठी थी, एक मारवाड़ी आया, बोला ये छोरी कौन है। मैं बोला दादा चश्मा लगा लो, छोरी नहीं लुगाई है। बोले यार छोड़ो, जब बिना चश्मे के लुगाई छोरी दिख रही है तो चश्मा लगाने की जरूरत है। तो मतलब मारवाड़ी कैसे, अच्छा हमारे यहाँ एक माखरिया जी रहते हैं, मारवाड़ी हैं। एक दिन उनका लड़का बोला पापा मेरे को कब दिखाई देने लगा है, तो बोले कहाँ की नज़र कमज़ोर हो गई, बोले दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। वो उसको टेरेस पे ले गए, बोले देख ऊपर क्या है, बोले चांद है, बोला और कितना दूर का देखेगा। तो मतलब कैसे भी काम चल जाता है। अच्छा अब एक स्वच्छ भारत अभियान चला पूरे देश में जोर शोर से, मोदी जी बोलते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर इतने शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है, मतलब समझ नहीं आता। अच्छा कोई लेना देना नहीं बात का किसी भी चीज से। अभी मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा था, हालांकि ये झूठ बात है, मतलब झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि एकदम सच है। दोस्तों धीरे 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 माहौल बनता जाएगा, आप ताली बजाते जाइए तो मैं माहौल बनाता जाऊंगा और आपको मजा देता जाऊंगा। चार पंक्तियां पहले देश के लिए, देश में जो हुआ, मुझे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, चार पंक्तियां देखिए कि मूक दर्शक बने देखते रह गए, मूक दर्शक बने देखते रह गए, जिंदगी का हमारी चमन लुट गया, और भार सौंपा गया जिसको भी देश का, भार सौंपा गया जिसको भी देश का,
उसके हाथों ही देखो वतन लुट गया, उसके हाथों ही देखो वतन लुट गया। दोस्तों मैं कवि हूँ, मैंने सोचा किसी कवित्री से प्यार कर लिया जाए और कवित्री से मेरी शादी हो जाए, तो मैंने उसको एक खत लिखा कविता की भाषा में। अब वो खत देखिए, फिर उसका जवाब भी मैं ही बताऊँगा आपको, सुनिए। कि मन हार मैंने तुम्हें जीत लिया है प्रिय, आके मेरे घर की पटरानी बन जाइए। मन हार मैंने तुम्हें जीत लिया है प्रिय, आके मेरे घर की पटरानी बन जाइए। सारे कवि आपके दीवाने हो चले हैं, आप आके मेरी भी दीवानी बन जाइए। और मेरा दिल हिंदुस्तान से भी बड़ा हो चला है, आके मेरे दिल की राजधानी बन जाइए। और आपके बिना जीना मुश्किल हो गया है, आके मेरे दिल की राजधानी बन जाइए। ये मैंने लिखा, अब उसका जवाब सुनिए। कवित्री ने जो लिखा उसको भी मैंने छंदबद्ध किया, सुनिए। करूंगी स्वीकार तभी यार तेरा प्यार, पहले मेरे लिए टाटा की कार पैदा कीजिए। ताली बजाओ, मजा आ रहा। तो करूंगी स्वीकार तभी यार तेरा प्यार, पहले मेरे लिए टाटा की कार पैदा कीजिए। और आपकी दीवानी प्रिय मैं भी बन जाऊंगी, मेरे लिए हीरों का हार पैदा कीजिए। और आपके उस झोपड़े में रह नहीं पाऊंगी मैं, मेरे लिए शाही घर द्वार पैदा कीजिए। और इतना भी आपसे जो हो नहीं पाएगा, इस पे ताली बजाना जरूर वहां तक। और इतना भी आपसे जो हो नहीं पाएगा, तो राखी बंधवाने का विचार पैदा कीजिए। तो कवियों के साथ ऐसी घटना होती है। दोस्तों समय कम है, एक गीत से जोड़ना चाहता हूँ, और ये मेरा दावा है कि गीत की एक एक पंक्ति पर आप ताली बजाएंगे और आपको लगेगी समर्थन, या भरपूर समर्थन दीजिएगा, और आपको नहीं लगे अच्छा है। क्योंकि एक बात है, देखिए जब लोग आधे पागल हो जाते हैं ना, तो वो कवि या शायर बन जाते हैं। सही बात है ना जी भाई? जब लोग आधे पागल हो जाते हैं तो कवि या शायर बन जाते हैं। और दूसरी बात पर ताली बजनी चाहिए। और जब लोग पूरे पागल हो जाते हैं तो कवि सम्मेलन और मुशायरे कराने शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात समझते हैं। अब मैं गीत सुनिए, देखिए दोस्तों जिस तरह से हमारी कल्चर संस्कृति कहाँ थी और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो देखिए गीत में। सुनिए गीत का मजा लीजिए और एक एक पंक्ति पर ताली चाहूंगा। देखिए जीवन में कल झोल ना होगा, जीवन में कल झोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा, कोई गोल मटोल ना होगा। कल जीवन का मोल ना होगा, जीवन में कल झोल ना होगा, कोई गोल मटोल ना होगा, सब दुबले और मरियल होंगे, सब दुबले और मरियल होंगे, दिखने में सब सड़ियल होंगे। ताली बजाते रहे अगर मजा आता। किसी के सर पे बाल ना होंगे, चिकने चिकने गाल ना होंगे, चेहरा झुर्रीदार मिलेगा, बिना मूंछ सरदार मिलेगा। और बॉब कट कल पंडित होगा, हर परिवार विखंडित होगा, काजी के ना दाढ़ी होगी। ताली बजाइए मजा आ रहा था। काजी के ना दाढ़ी होगी, सबकी नीयत माड़ी होगी, बिन मुर्गी के अंडा होगा, उस अंडे पर खोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। और पंक्ति देखिए, औरतें कैसी होंगी। अच्छा मैं यहाँ की औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आने वाली सदी की बात कर रहा हूँ, इसलिए औरतें बुरा नहीं मानेंगी उस बात का। कल नारी ना नारी होगी, कल नारी ना नारी होगी, सड़ी हुई बीमारी होगी, तन पर झीनी साड़ी होगी, बिन इंजन के गाड़ी होगी। और कल का मर्द मर्द ना होगा, नारी में कल दर्द ना होगा, आज वेश्या कोठों पर है, आज वेश्या कोठों पर हैं, कल सड़कों पर बुक करेंगी, पुरुष संभालेगा कल बच्चे, नारी ड्यूटी पर जाएगी। कल नारी ना नारी होगी, एकदम अत्याचारी होगी, उसका कोई भूगोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। अब सोचिए जैसे हम लोग, आपने देखा था पहले हम लोग 7 फुट 6 फुट हाइट होती थी, अब धीरे धीरे हम छोटे होते जा रहे हैं, तो आने वाले में और क्या होगा। देखिए 6-6 इंच के बच्चे होंगे। ताली बजाइए अगर मजा आता हूँ, मैं तभी सुनाऊंगा आगे।
के 6-6 इंच के बच्चे होंगे, अकल के बिल्कुल कच्चे होंगे, और 1.25 फुट फौजी होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मन मौजी होगा, घर घर में कल फांके होंगे, दिन में ही कल डाके होंगे, और पुलिस ही चोरी करवाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस ही चोरी करवाएगी, सच्चों को ही मरवाएगी, कल केवल घोटाले होंगे, काले धंधे वाले होंगे, झूठों की तो मौज मनेगी, सच्चों के मुंह काले होंगे, कल सच्चा कोई बोलना होगा, कल जीवन का मोलना होगा। और देखिए अंतिम पढ़ना चाह रहा हूं कि गधे वे कुत्ते डिश खाएंगे, गधे वे कुत्ते डिश खाएंगे, खेत में हम चरने जाएंगे, जीते जी मरने जाएंगे, दूध से महंगा पानी होगा, खून से महंगा दूध मिलेगा, बच्चे भूखों मरा करेंगे, बिना दूध के पला करेंगे, कल आंखों में शर्म ना होगी, माता भी कल नर्म ना होगी, खून यूं ही बहा करेगा, खून का कोई तोल ना होगा, कल जीवन अनमोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना। धन्यवाद।